वेलकम बैक टू माय चैनल अन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आ चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे ज्यादा बेहद जानना इसका जो जरूरी है वो है सिलेबस, ताकि आप अभी और आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सके। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इसका एग्जाम डेट भी आ गया और आपके पास अब कुछ ही समय बचा है इसको पास करने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस जानने की। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की, कि आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, आपको क्या क्या आना चाहिए उसमें से, ठीक, इन सभी बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता ही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, वैकेंसीज भी हमारे पास हैं, बट अभी तक बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है जो होता है सिलेबस वगैरह का। बट हमें पता है कि सिलेबस आपका यही आएगा, ठीक है, इसी बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी कब की है, 27 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके चलेंगे 14 दिसंबर तक के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये भी पता है, मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके ज़रूर चेक करना, फुल डिटेल्स है उसमें, ठीक है, क्या एज, क्या एलिजिबिलिटी, क्या आपको चाहिए उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ उस वीडियो में इंक्लूड है, ठीक है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसी वीडियो से सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी वीडियो है सिलेबस के लिए, तो आप सारी जानकारी के लिए उस वीडियो में जाएं और आके अपना सिलेबस चेक करके अपनी तैयारियां शुरू कर दें। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस में आ रहा है आपका मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जनरल स्टडीज़ आ रही है और कंप्यूटर आ रहे हैं। आपके ये चार सब्जेक्ट आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहे हैं, जिसमें कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स का है और 15 ही क्वेश्चन का है। रीजनिंग भी 25 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन हैं। जनरल स्टडीज़ का 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स हैं। और कंप्यूटर आया है नया इस बारी, 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल आपके 100 मार्क्स हैं और टोटल आपके क्वेश्चन 100 हैं। और टाइमिंग आपको भरपूर मिल रही है, 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे की आपको टाइमिंग मिल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई चिंता की बात ही नहीं है। और आपको दिख ही रहा है जनरल स्टडीज़ कितना भारी पड़ने वाला है आप सब पर, काफ़ी अच्छा लेवल भी होगा, क्योंकि कंडक्ट कौन करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है SSC, ठीक है, दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को SSC कंडक्ट करा रहा है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस, ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम्स होंगे वो जो SSC के होते हैं उसी तरीके से होंगे। और आपको पता है SSC का GA जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ किस लेवल का होता है, ठीक है। और आपको, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मार्किंग कौन सबसे ज़्यादा ले रहा है, तो 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स कम नहीं होते मेरे दोस्त, ठीक है। और टाइम भी आपके पास इतना नहीं है कि बस आप कल करूँगा करके, या फिर दो दिन बाद, या एक दिन में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक करके इसको सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों, तैयारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको सिलेबस डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस बताऊँगी। मैथ्स में आपकी आएगी अर्थमेटिक, ठीक है, आपको मैं चैप्टर्स बता देती हूँ कौन कौन से आएंगे, ठीक, और मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि एक या दो कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, देखते रहें, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो होती है फ्रेंड्स, कुछ नहीं जाएगा। अगर आप 10 मिनट फालतू में इधर उधर घूम सकते हो, 10 मिनट आप वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहला तो चैप्टर आ रहा है नंबर सिस्टम, फिर है LCM SCF, डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन एंड सर्ज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है, ठीक है, कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, इन चैप्टर्स में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटली इनमें से वही है कि एक एक क्वेश्चन आ सकता है, या किसी में से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई चैप्टर नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर आपका है एज एंड एवरेज। एज एंड एवरेज में आपका एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। एज और एवरेज दो अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज से भी एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से भी एक या दो, ये जो सभी मैं आपको बता रही हूँ, इनसे एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बाकी बात ये है कि 15 क्वेश्चन उनको कैसे डिवाइड करने हैं वो देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम है, दो अलग चैप्टर हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए एक ही में लिखा हुआ है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम है, ये तीन चैप्टर्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, इसीलिए मैंने एक में लिखा है। इंटरेस्ट चैप्टर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चंस आपका देखो किस तरीके से आता है, या तो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है,
या फिर कभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका मेंजुरेशन, ठीक है। थोड़ा मेंजुरेशन थोड़ा एडवांस में आ जाता है पर उतना भी नहीं है, तो बेसिकली आपकी आ रही है अर्थमेटिक, ठीक। तो आप वो देख लीजिए, आप अगर इसमें से एक एक क्वेश्चन भी हर चैप्टर्स में से आता है तो आपको हर चैप्टर करने की जरूरत है, और एक में से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं और दो चैप्टर नहीं आते हैं तो आप श्योर तो हो नहीं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें, और मुझे पता है अगर आपने SSC CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजंस एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखा है, लेकिन रीजनिंग आपकी आनी आसान ही है, ठीक है। आपने SSC लेवल की रीजनिंग देखी है, कोई बहुत बड़ी रीजनिंग नहीं आती है, और सिर्फ इतना याद रखिए कंडक्ट SSC करवाने वाला है तो क्या पेपर का लेवल होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपने पहले भी दिए हैं SSC के एग्जाम, कौन से सब्जेक्ट कैसे आते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस का मैं मानती हूँ कि 4 साल बाद भर्ती आई है तो शायद आपने नहीं दिया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात इसमें ज़रूर बताना चाहती हूँ, जैसा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 से 21 साल तक की उम्र होती थी, अब 25 कर दी गई, यानी ऑलरेडी 4 साल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि कंपटीशन किस लेवल का है, कितना, और दिल्ली पुलिस का क्रेज़ तो आपने बच्चों में पता ही है कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि एक तो पावर होती है, दूसरा यूनिफॉर्म होती है, और प्लस सैलरी तो होती ही होती है, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस, अगर आप अपनी फैमिली में भी बोलोगे ना दिल्ली पुलिस में है, तो एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग ही प्राउड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अगला मौका हमारे पास कब आएगा कब नहीं, और आपकी एज उस टाइम तक रहेगी या नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बोरिंग लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन बात जो है बिल्कुल सच्ची है, ठीक है दोस्तों। जनरल स्टडीज़ में आपका वही हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो हर एग्जाम का सिलेबस होता है, जनरल अवेयरनेस आपका यही है। जनरल अवेयरनेस की सिर्फ यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जनरल अवेयरनेस आप कोई एग्जाम सोच के मत प्रिपेयर करिए, आप जनरल अवेयरनेस का या जनरल स्टडीज़ का पैटर्न आप कहाँ से कितना आप ग्रैब कर सकते हैं, कितने आपके ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है, कितना आप नोटिस कर सकते हैं, हर उससे आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। जितना आप इसको बहुत खुले दिल से अपनाना चाहेंगे जनरल स्टडीज़ को, उतना आपके अच्छे हर एग्ज़ाम जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बढ़ाता भी और जो मार्क्स को गिराता भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग है तो ये गिराने में भी बहुत पहले आता है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात इसकी है, आप एक बार जनरल स्टडीज़ अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप काफ़ी एग्ज़ाम्स उसी से दे सकते हैं, ठीक है। और एक मेन बात यही होती है कि फ्रेंड्स जनरल स्टडीज़ हमेशा आता है करंट से, कभी भी बहुत पीछे का नहीं पूछा गया। बच्चे गलती ये करते हैं कि बेसिक्स छोड़कर, अभी का छोड़कर बहुत पुराना पढ़ लेते हैं, लेकिन यही आपको बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है, अभी का ही पढ़ना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियोज़, लेक्चर वीडियोज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बट उसके लिए भी आपके पास एक टारगेट है, जिसमें कि मुझे मिनिमम 500 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने बच्चे चाहते हैं और तभी मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर पाऊँगी। क्योंकि देखो एक बच्चे के लिए तो मैं क्लास दूंगी नहीं, मैं दे भी सकती हूँ बट उसे सिर्फ एक ही बच्चा आके देखे और मैं इतना एफर्ट्स करूँ तो सबको थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। तो मिनिमम 500 लाइक्स होंगे तो मैं इसके लेक्चर्स आपको दे दूंगी, ठीक है, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपका क्या है, फंडामेंटल्स आएंगे, इनपुट आउटपुट आएगा, मेमोरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नंबर सिस्टम बाइनरी वाला पूछा जाएगा, लॉजिक गेट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, एंड वेबसाइट, वायरसेस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, में है वर्ड प्रोसेसिंग एंड एक्सेल। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसके पास 12th में PCM थी या जो 12th तक कंप्यूटर साइंस लेके था चल रहा था, तो उसके लिए तो बहुत आसान है कंप्यूटर, 10 नंबर की कंप्यूटर आ रही है, तो इसमें भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन तैयारी आपको शुरू करनी है अभी से, क्योंकि 27 नवंबर बहुत दूर नहीं है, देखते ही देखते टाइम कट जाता है और बच्चे बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन देखिए, नोटिफिकेशन भी इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से अगले हफ्ते, तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन का आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी फुल डिटेल्स का भी मैंने एक वीडियो बना दिया जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। क्या क्या इसमें कितनी भर्तियां आई हैं वो भी मैंने बना दिया, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आप नोटिफिकेशन में पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है।
अगर आ जाएगी तो आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ सारी डिटेल्स आपके पास हैं, अब तो इतना अच्छा हो गया है कि सारी डिटेल्स आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, बहुत सेंट्रल की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म्स आप देखिएगा कितने फिल करे जाते हैं और आपको कॉम्पिटिशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी रुके ना, डिमोटिवेट ना हो, शुरू कर दे अपनी तैयारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वैसे भी अगर खुश हो जाओ वीडियो देख के तो भी कमेंट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों से छूट रहे हैं अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।